तो दोस्तों इंडसलैंड बैंक के मेन ब्रांच में अकाउंट ओपनिंग करने का कुछ टर्म एंड कंडीशन रहता है, जैसे कि आपको 5,000 से ऊपर मेंटेनेंस करना होता है, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड का जरूरत पड़ता है। जब भी आप इंडसलैंड बैंक में अकाउंट ओपनिंग कराते हैं तो आपको इंस्टेंट डेबिट कार्ड तो मिल जाता है, लेकिन डेबिट कार्ड का कुछ अलग अलग सिस्टम रहता है। अलग अलग डेबिट कार्ड का अलग अलग आपका प्राइस होता है, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड का जो है प्लैटिनियम होता है, प्रीमियम होता है, वीजा एक्सेसरी आपको अलग अलग डेबिट कार्ड मिलता है। अलग अलग डेबिट कार्ड का अलग अलग प्राइस रहता है, जैसे कि इंडसइंड बैंक का यह डेबिट कार्ड का प्राइस आपका 3900 रुपया पड़ता है। ये आपको 3900 रुपया आपको प्राइस में लेना पड़ेगा, लेकिन इस एटीएम कार्ड को एक्टिव करने के बाद आप जैसे पेट्रोल या डीजल आप भराते हैं तो आपका पास एक वाउचर कोड आता है, तो वाउचर कोड को आप रिडीम करना होगा। रिडीम करने के बाद आप अपने अकाउंट में पैसे को ले सकते हैं, अदरवाइज इस वाउचर कोड के द्वारा आप अपना जो है कुछ सामान परचेज कर सकते हैं। तो आपको अगर वो परचेज नहीं करना है, अगर आप वो पैसा कैश में लेना चाहते हैं डायरेक्टली अकाउंट में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। तो हम आपको डायरेक्टली लेके चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो है वाउचर कोड इस तरीके से आया है, कुछ रिडीम करने का ऑप्शन। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और कांग्रेचुलेशन आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा ABCDE, जैसे कि यहाँ पे अपोलो फार्मेसी, बाटा, पिज्जा हट या प्रेस्टीज, पुमा, इस तरीके का आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे ही आप ए या बी या सी आप यहाँ पे टाइप करने के बाद सेंड करेंगे तो आपका वो एक्टिव हो जाएगा और आपको वही वाला चीज को परचेज करना होगा। उसके अलावा दूसरा कोई भी चीज परचेज नहीं कर सकते हैं, या तो फिर आप अपना पैसे को रिफाउंड अपने अकाउंट में नहीं ले सकते, ये आपको ऑप्शन नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं फॉर मोर ब्रांड ऑप्शनल एंड TNC यहाँ पे ऑप्शन है, एक लिंक है, इसको आपको ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के बाद आपका एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने के बाद 2500 का ऑप्शन दिख रहा है और आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आपको देख लेना है कि अमेजोन कहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो आपको अमेजोन में क्लिक करना पड़ेगा। रिडीम के ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। 2500 यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और रिडीम के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। रिडीम के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद INR 2500 रुपया दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा, सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP जाएगा, जो OTP यहाँ पे आपको फिल करना होगा। OTP फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। आपका कांग्रेचुलेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लोज बटन पे क्लिक कर देना होगा और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको बैक आ जाना है। आपको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आपको इंतजार करना होगा। आपके मोबाइल पे एक वाउचर कोड आएगा, जो वाउचर कोड आप रिडीम करना होगा और आपके अकाउंट में आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वाउचर कोड आ चुका है। वाउचर कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वाउचर कोड आपको कुछ देखने को इस तरीके से मिलेगा, गिफ्ट कोड, जैसे कि 4HAVMZW, ये वाला वाउचर कोड है। ये वाउचर कोड को आपको रिडीम करना होगा और आपको अपना वॉलेट में पैसे ऐड कराना होगा। उसके लिए आपको अपना तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना वाउचर कोड को यहाँ पे टाइप कर लेना होगा, कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद आपको अपना अमेजोन को ओपन कर लेना होगा, किसी का भी अमेजोन में आप करा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना वाउचर कोड को टाइप करने के बाद कॉपी कर लेता हूँ। अमेजोन यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे अमेजोन पे का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। एंड आप देख सकते हैं मेरा अभी का फिलहाल 1315 रुपया है। एंड दोस्तों 2500 रुपया को ऐड करने के लिए अमेजोन पे बैलेंस पे आपको क्लिक करना होगा और आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना पड़ेगा। आप चाहे तो ऐड मनी कर सकते हैं। ऐड गिफ्ट कोड यहाँ पे दिख रहा है, ऐड गिफ्ट कार्ड बैलेंस, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और आपका जो भी वाउचर कोड है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद ऐड टू योर बैलेंस यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और जैसे कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। टोटल मेरा अभी का 3815 रुपया है और 2500 रुपया का मेरा वाउचर कोड एक्टिव हो चुका है, यानी कि रिडीम हो चुका है। फिर यहाँ पे बैक करके आपको मैं दिखाता हूँ और यहाँ पे जो अमेजोन पे का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे आप अपना टोटल बैलेंस देख सकते हैं, जैसे कि मेरा अभी 3815 रुपया है, 2500 मेरा ऐड हो चुका है। ये बैलेंस के द्वारा आप चाहे तो कोई चीज परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि स्कैन QR कोड के द्वारा या फिर सेंड मनी के द्वारा आप अपना पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अकाउंट में पैसे लेने के लिए सेंड मनी के ऊपर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आप अपना UPI ID डाल सकते हैं। UPI ID डालने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आप अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं या तो फिर आप चाहे तो कोई चीज को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपना जो है वाउचर कोड को रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे भाई।